वो कहाँ है फरदीन और वो किधर है, किस जगह है? उनका मसला हल हुआ नहीं हुआ? अगर मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं मतलब वो तो सबको घर भेज दो, तंग आ गया हूँ मैं, सीरियसली तंग आ गया हूँ। बुलाओ उनको, कहाँ है, कहाँ है, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, देखते हैं कि क्या है। कोई मसला नहीं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आइए आ जाए आ जाए आ जाए, माइक भी दीजिए इनको। वो कहाँ है भाई? बैक स्टेज। तो बुलाइए उनको, मसला हल हुआ नहीं हुआ? सर अभी तो मैंने उनकी बात करवा दी कॉल पे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। वो राबिया को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब हो गई क्लियर? वो क्लियर हो गई, लेकिन वो अभी भी थोड़ा नाराज़ है, लेकिन बात नहीं कर रही सही से। क्या जी? आए जी आए, लाइफ में इतना टाइम क्या है, बैठो जाके बैठो, आइए इधर आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए, कम फास्ट प्लीज़। इनको माइक दीजिए सर प्लीज़, अभी बात कोई नहीं करेगा, प्लीज़ बात नहीं करें। हाँ जी बताइए, आपका मसला हल हुआ? ये सर इन्होंने कॉल करा दी, इनकी बाकी कज़न थी वो जिसको लेकर जा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूँ। आप ठीक हैं अब? हाँ अब ठीक है, बात करवा दी इन्होंने। और कुछ? लेकिन अभी तुम यहाँ पे आ गए, मुझे सॉरी बोलोगे? ये बोलेंगे सॉरी? आप लोगों को नहीं लगता आपको सॉरी बोलना चाहिए? नहीं। अच्छा क्यों? एक्चुअली अभी ये नहीं था, इसको बताना चाहिए था, जब ये जा रहा था तो मुझे बता देता तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना राबिया को। कमाल किस्म की रिलेशनशिप है आप लोगों की। नहीं सर बताना, कमाल किस्म की। आप एक बात को सुनने के बजाय आप यहाँ से छोड़ के चली गई। सर मुझे गुस्सा आ गया। एक मिनट चुप जाओ, किसको प्रॉब्लम हुआ भाई? मतलब मुझे बात तो करनी चाहिए मैम, तो समझ में नहीं आई मेरी ये बात, समझ में नहीं आई। एक एक आदमी, मतलब ये अच्छी बात है कि आप सफाइयाँ भी दें और जिससे आप प्यार करते हैं उसे वही सफाइयाँ देता है आपको, बट मतलब अभी सॉरी क्यों? सॉरी अगर करना चाहिए किसी को तो शायद आपको करना चाहिए। नहीं सर इन्होंने मुझे बताया नहीं था, अगर इसको जाना था ना तो मुझे बता देता, तो राबिया को भी अगर अतफहमी नहीं होती और अभी ये सब नहीं होता ना, बता के जानना था। और राबिया आप ना दूसरों की रिलेशनशिप से थोड़ी दूर रहिए। सर ये मेरी दोस्त है तो ये मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी ना, मुझे बहुत यकीन है। और सर फरदीन मेरा भाई है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मतलब मैं हम सारे बुरे बन जाएंगे। नो सर, पर फरदीन को भी चाहिए था, मुझे कल ही बता देता फरदीन। अच्छा, ने कल मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है सबसे, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरा सवाल तो रिलेशनशिप में अगर कहीं बात कोई भूल चूक हो जाए तो मतलब अगर बात बताई ना जाए, क्या ये मतलब हर वक्त 24/7 आपको बताना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं? मतलब एक सेकंड, मुझे ख़त्म करने दीजिए, मैं कोई बहस नहीं छेड़ रहा, अपने अपने उसकी बात है। मुझे थोड़ा ऑफ लगा, आप भी ऑफ लगे और आप लोग भी ऑफ लगे, थोड़ा ऑफ लगे मुझे सर। लेकिन ये बड़ी बात थी, मुझे बता के जाते ना तो मुझे अच्छा। नहीं बड़ी बात वो थी जो अभी हुई है, तो वो ना होती। ना 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 ना, जब आप लोगों के व्हाट्सएप चेक करने का कह देना तो आपको उन पर एतबार तो वैसे ही नहीं है। सर एतबार है? नहीं नहीं, एतबार अगर होता ना तो ये नहीं होता सर। सर अच्छा मैं इतनी संजीदा बात कर रहा हूँ, वहां से कह रहा शायरी हो जाए शायरी, इस बात तो क्या शायरी हो जाए सर। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक अगर कहीं ना कहीं वो गलत है या कुछ भी है तो अच्छा तुम लोगों की जिंदगी में, एक सेकेंड दुआ, तुम्हारी जिंदगी में, नैन की जिंदगी में, रुखमा की जिंदगी में अगर बात तुम लोगों के बारे में नहीं हो रही तो वो बात ही नहीं है। थैंक यू, यू कैन रिलेट, अल्लाह ताला रहम करे, यू कैन रिलेट टू इट। जी सर क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा आई एम रियली सॉरी। पर आपने इनसे सॉरी क्यों बुलवाया? इसलिए कि इन्होंने आपको बताया नहीं था। हाँ, बता के चले जाते ना तो इतना तो बड़ा पता नहीं होता। तो आप मतलब हर जगह जहाँ जाएंगी इनको बता के जाएंगी? हाँ मैं जाती हूँ, बता के जाती हूँ, मैसेज करती हूँ। हाँ सर बताती है। हाँ अबे चली जाएगी, मतलब अबे क्या हो गया, तुम लोगों को अपने जख्म याद आ गए क्या? चुप तो करवा दो इनको। हाँ तो आप भी बता के जाती हूँ, तो आप फरदीन में आपको बताती हूँ ना।
हाँ सर बताती हैं। मुझे मार दो यार बस, इतना प्यार नहीं देखा जा रहा मुझसे। हाँ मत, दिस इज रियली नाइस। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है, गुड लक टू यू। अब सब एवरीथिंग इज सॉर्टेड? हाँ आप सही है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ऑल गुड। किसी को और तो कुछ नहीं है कोई? अब तो कुछ और नहीं होगा। इनामात का खजाना लिए अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने को बोल तैयार है। ट्रांसमिशंस तो सब करते हैं, पर इस बार जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। आपकी हथेली पे दौलत की लकीर हम खींचेंगे और बनाएंगे आपके ख्वाबों को हकीकत। इस रमजान खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा। लाखों नहीं करोड़ों के कैश इनाम। गेम शो और रमजान ट्रांसमिशन का हर सेगमेंट बनाएगा आपको मालामाल। डिबेट, क्विज, नाथ कॉम्पिटिशन, गेम शोज, और पहली बार घर बैठे देखने वालों को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका। घर बैठे आजमाएं अपना नसीब। इस रमजान चमकेगा पाकिस्तान। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साहिल लोधी, और बोल एंटरटेनमेंट की सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।